जैसे आज अभी बिजली विभाग के अधिकारी साथ बैठे हुए हैं बाहर, तो जो कनेक्शन के संबंधित आएंगे काम, लोग अप्लाई करेंगे तो उनकी समस्या यहीं पे हल करते हैं, एंड टू एंड समाधान। एंड टू एंड कोशिश होती है कि ज्यादातर समस्याओं को यहीं पे निपटाते हैं अधिकारियों के साथ बैठ के। तो सभी लोग जब हमारे पास काम के लिए आते हैं तो यही निर्णय लिया कि अगर जनता के लिए हम काम वहाँ रहकर आम आदमी पार्टी में नहीं कर पा रहे, सरकार काम नहीं कर पा रही, तो उसको मैंने छोड़ने का निर्णय। ज़्यादातर लोग यहाँ सभी बैठे हुए हैं, ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सभी का ये कहना होता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप कहाँ से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, इसको ज़्यादातर लोगों को उससे मतलब नहीं है। जब आम आदमी पार्टी में गया तो क्षेत्र की जनता ने मुझे वहाँ भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, दो बार जिताकर भेजा। अभी भी सब लोगों का यही कहना है कि हम आपके साथ हैं, आप जहां पे चुनाव लड़ेंगे हम आपके साथ हैं। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीतें करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे झलको दिल्ली के फ्रेम में देख रहे हैं। फिलवक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के छतरपुर इलाके में। छतरपुर इलाके में हम आए हुए हैं यहाँ के विधायक करतार सिंह जी तबर के कार्यालय पर। दरअसल हम पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि करतार सिंह जी तबर से हमारा संवाद हो, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, कुछ हमारा तालमेल बैठ नहीं पा रहा, तो आज हम सीधे उनके कार्यालय पर आए हैं। ये 10 से 12 का वो समय है जब विधायक जी लोगों से मिलते हैं, जनसुनवाई करते हैं, उनकी समस्या का तुरंत समाधान करते हैं। तो इस चीज़ की भी फ्लोर टेस्टिंग हो जाएगी कि लोगों का क्या रवैया है उनकी जनसुनवाई के प्रोग्राम को लेकर के। लोगों से भी बात करेंगे और उनसे उनके जो नेता हैं करतार सिंह जी दो बार आम आदमी पार्टी से MLA रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 3 महीने पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो आइए अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और विधायक जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, नमस्कार। कैसे आना हुआ कार्यालय? अरे ट्यूबवेल के लिए आया हूँ भाई, ट्यूबवेल लगवाना, आवाम परेशान, पानी ना हो सतबड़ी में। ट्यूबवेल की समस्या? हाँ। तो संवाद हुआ विधायक? हाँ, बात हुई अभी। क्या कुछ बोला? बोला नहीं, बता रहा हूँ अभी। करवा देते हैं काम तो वैसा ही? हाँ, करवा देते हैं। भी किसी समस्या को लेकर? हाँ, समस्या के लेके आए हैं। क्या समस्या लेके? विधायक जी से बात हुई है, जल बोर्ड की समस्या है, वो करा रहे हैं। क्या कुछ कहा विधायक जी? विधायक जी ने बोला है, आगे बात की है, अभी करवा रहे हैं। जनता की समस्याओं को लेकर के विधायक जी का कैसा रवैया रहता है? बहुत बढ़िया, अच्छा रवैया है, कोई भी खाली नहीं जाता, जो भी आता है उसके सबके काम होते हैं, सबके काम करते हैं विधायक जी, यहाँ भी और बाहर क्षेत्र में। पॉजिटिव रेस्पॉन्स? बिल्कुल पॉजिटिव। ये जनसुनवाई का ही नज़ारा है, सामने कुर्सी पर विधायक जी बैठे हुए और ये लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आए, लोगों से बात करते हैं। क्यों खान साहब, कैसे आना हुआ? क्या समस्या लेकर के आए? पानी की समस्या जी हमारे। अच्छा, पानी की दिक्कत? जी हाँ, पानी की बात हुई विधायक जी? हाँ जी, कहा कि वो आ रहे हैं अभी, क्या बोल रहे हैं उन्हें, जई साहब आ रहे हैं। अच्छा, जल बोर्ड के अधिकारी? जी हाँ जी। कैसे सुनवाई करते हैं विधायक जी? हाँ, सुनवाई की वजह तो बैठे हैं, कर रहे हैं वो सुनवाई। जी हाँ, आइए और लोगों से बात करते हैं फिर, विधायक जी के पास तो चलना ही है। क्यों भाई साहब, कैसे आना हुआ? वो समस्या के लिए आए अपने। क्या समस्या? चांदनूला जोड़ में जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी नहीं है, उसके लिए आए। पहले भी कभी समस्या लेकर के आए हैं यहाँ? नहीं, आज ही आए हैं। कैसा रवैया है विधायक? अच्छा रवैया है जी। जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, सबसे पहले तो माफी चाहेंगे कि जनता के समय में से हम इनसे थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन बातचीत का प्रयास करते हैं। तो सर, आपने समय दिया सबसे पहले तो। जी जी सर, काफी तरह की समस्याएं लोग लेकर के आ रहे हैं, मैंने लोगों से भी बात की, पानी की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, तो आप फौरी रूप से समाधान कर? जी देखिए, जो किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के पास लोग आते हैं, जो क्षेत्र में समस्याएं आती हैं उनको लेकर आते हैं, तो उन सभी पे जब लोग मिलते हैं, जो समस्याएं बताते हैं उन पे सब करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। और दो दिन तो मैं ये भी रखता हूँ, मंगलवार, 3 दिन सप्ताह में, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, एक मिनट भाई, कि अधिकारी भी साथ बैठते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट के लोग? आज हाँ, जैसे आज अभी बिजली विभाग के अधिकारी साथ बैठे हुए हैं बाहर, तो जो कनेक्शन के संबंधित आएंगे काम, लोग अप्लाई करेंगे तो उनकी समस्या यहीं पे हल करते हैं, एंड टू एंड समाधान। एंड टू एंड जल बोर्ड के अधिकारी अभी पहुंचने वाले हैं, आज मंगलवार को बैठते हैं, थर्सडे को फिर जल बोर्ड के अधिकारी यहीं बैठते हैं। तो कोशिश होती है कि ज़्यादातर समस्याओं को यहीं पर निपटाते हैं अधिकारियों के साथ बैठ के, उसके बाद फिर फील्ड की विजिट करके, तो जो लोग आते हैं समस्या लेकर के उन सबको हल कराते हैं। अच्छा, जनसुनवाई एक दिन छोड़ के एक दिन होती है? नहीं, जनसुनवाई ऐसा नहीं है, जनसुनवाई तो मैं लगातार करता हूँ,
जन मेरा प्रतिदिन जन सुनवाई और फील्ड विजिट, जैसे आज जो लोग आते हैं इनके साथ जो क्षेत्र की जरूरत पड़ती है तो क्षेत्र में विजिट करने के लिए जाता हूँ, और अगर यहीं पे हल होता है तो यहीं हल हो जाता है। तो डेली ही जन सुनवाई करते हैं और क्षेत्र की विजिट रखते हैं। अच्छा सर, मेरा बहुत ही बुनियादी सवाल ये है, मैं लोगों से भी फील्ड में मिला तो एक प्रतिक्रिया आती लोगों के सामने कि आप दो बार विधायक रहे लगातार, आम आदमी पार्टी से विधायक थे, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो सर क्या कुछ कारण रहे कि एकदम? देखिए, ये आप सबके सामने है, पूरी दिल्ली के सामने है, जिस तरह से एक से डेढ़ वर्ष से जब से ये भ्रष्टाचार के मामला शुरू हुआ, शराब नीति जो घोटाला हुआ, तब से लेकर और कई विषय हुए, तब से बिल्कुल सरकार ठप पड़ी है, कोई काम नहीं हो पा रहे, कोई बजट नहीं मिल पा रहे, जब जनता के काम ही नहीं करा पा रहे तो उस वजह से ये निर्णय लिया कि सरकार काम कर नहीं पा रही है। जनता की जवाबदेही तो हमसे बनती है, जनता हमारे पास आती है, आप सब देख रहे हो, लोग सब आए हुए हैं, तगादे आपसे ही होता है, जनता जनता तो अपने चुने प्रतिनिधि के पास आएगी, तो सभी लोग जब हमारे पास काम के लिए आते हैं तो यही निर्णय लिया कि अगर जनता के लिए हम काम वहां रहकर आम आदमी पार्टी में नहीं कर पा रहे, सरकार काम नहीं कर पा रही, तो उसको मैंने छोड़ने का निर्णय लिया। तो सर, दो बार से छतरपुर की जनता ने आपको खूब आशीर्वाद दिया है, इस बार संभव है आप अलग अलग सिंबल से लड़ें, तो वैसा ही जनता का स्नेह और आशीर्वाद आपको मिलेगा? देखिए, ज़्यादातर लोग यहाँ सभी बैठे हुए हैं, ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी का ये कहना होता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप कहाँ से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, इसको ज़्यादातर लोगों को उससे मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी में जब मैं गया, पहले मैं बीजेपी में था, पहले आप बीजेपी 2007 से लेके और दो टर्म में काउंसलर था, तो जब आम आदमी पार्टी में गया तो क्षेत्र की जनता ने मुझे वहाँ भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, दो बार जिताकर भेजा। अभी भी सब लोगों का यही कहना है कि हम आपके साथ हैं, आप जहाँ पे चुनाव लड़ेंगे हम आपके साथ हैं। आपका व्यक्तिगत पकड़ है? देखिए, अगर व्यक्तिगत पकड़ नहीं होगी तो कोई चार बार लगातार चुनाव नहीं जीत सकता। बिल्कुल ठीक बात। सर, कुछ दिन पहले आपसे संबंधी एक विवाद टाइप में हुआ था, इस पर पंचायत के ऊपर महापंचायत समाज की मीटिंगों का दौर चला था, समाज की जाजम पे बैठ के आपसे भी जवाबदेही तय हुई थी, क्या कुछ मामला? देखिए, एक बहुत बड़ा विषय था हमारे क्षेत्र का, और छतरपुर विधानसभा में हमारा 100 फुटा रोड, SSN मार्ग, मांडी रोड और MG रोड, मेहरौली गुड़गांव रोड, सुल्तानपुर, घिटोरनी, आयनगर, ये पूरा क्षेत्र जितना भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से इनको सील करने की बात कही गई, बाकायदा ऑर्डर हुए, और जो रोड्स के अंदर जो हमारा गांवों का एरिया है, कॉलोनियों का एरिया है, जो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी लेकर सीलिंग की बात के ऑर्डर हुए, उसको लेकर बहुत प्रयास किया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने आम आदमी पार्टी का, बीजेपी नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, दोनों को ही धन्यवाद किया, सांसद जी का, LG महोदय का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उस विषय को रोका, मॉनिटरिंग कमेटी को कन्विंस किया कि हम इन रोड को कमर्शियल करने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह क्षेत्र हमारा अर्बनाइज हो चुका है, तो उस सीलिंग को रोका गया, उसको लेकर वो एक उस दिन काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर मैंने ये अनाउंस किया कि सीलिंग अब नहीं होगी, उस पर सहमति बन गई है। कुछ लोगों को राजनीति करनी थी, उनको वो बात ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा काम कैसे हुआ, तो उन लोगों ने कोई विषय शुरू किया था, वो मेरे पर्सनल विरोधी लोग हैं और वो आम आदमी पार्टी में कभी मेरे साथ थे, उनके मकसद कुछ अलग थे, जिनको मैं कभी गलत मकसद किसी के पूरे नहीं करता, उन विषयों को लेकर इस तरह से हुआ। वो कोई पंचायत टाइप नहीं थी, आपने उसके बाद की आप देखिए रिकॉर्डिंग, जो पंचायत हुई उसमें उन सब चीज़ों को खारिज किया गया और वो कोई विषय आगे नहीं है, सब लोगों को पता था कि उनका मुझसे व्यक्तिगत विरोध है, तो उस वो कोई पंचायत किसी गांव की नहीं थी। जो पंचायत जब हुई तो उन विषयों को बिल्कुल ख़त्म किया गया कि वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत विरोध था, और पंचायत में साफ कहा गया कि विधायक ने काम किए हैं क्षेत्र के लिए, बहुत अच्छा काम किया, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं और लोग मुझे समर्थन करते हैं।
क्षेत्र की जनता से जब मिलते हैं अलग अलग तबकों से, तो लोग क्रमशः गिनाते हैं कि साहब ये चौपाल करतार सिंह जी ने बनवाई थी, ये सड़क करतार सिंह जी ने बनवाई थी, ऐसे कई तरह के छोटे बड़े काम गिनाते हैं। तो अब ये काम आपके खाते में जाएंगे या आप जिस संगठन के साथ जुड़े हुए थे उसके खाते में? देखिये, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने ही बताया कि लोग ये कह रहे हैं कि ये चौपाल करतार सिंह तंवर ने बनाई, ये सड़क करतार सिंह तंवर ने बनाई, तो आप अंदाजा लगा लीजिए लोग किसके साथ जाएंगे। नाम तो आपका ही लेते हैं। बस, तो मेरे ही साथ जाएंगे। एक सर, जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी तो आपके साथ में एक और विधायक थे राजकुमार आनंद, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की थी बीजेपी, आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो मंत्री भी थे, लेकिन उनके नाम पर तो आम आदमी पार्टी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देती है, आपको लेकर के थोड़ा न्यूट्रल सा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो क्या कारण रहा इसके? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी ही जानती है, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं आम आदमी पार्टी में था, पूरी तरह से वहाँ समर्पित था, पार्टी के लिए काम करता था, क्षेत्र की जनता के लिए काम करता था। आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दी है, मैं 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित हूँ। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, किसके लिए क्या कहती है, उस विषय को तो पार्टी जानती है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आपके क्षेत्र में जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी बनती है उसमें सीलिंग को लेकर के बहुत प्रतिक्रिया होती है, और आप कई बार लोगों के साथ खड़े हुए भी देखे हैं, आपके क्षेत्र के लोगों के साथ, उसका क्या वो है? देखिए, मैं एक चीज अभी मैंने जब आपने पंचायत का विषय रखा तो मैंने यही बताया था, जो सीलिंग का विषय है हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विषय है, और उस पर ये सहमति अभी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, हमारा जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व रहते इसने प्रयास किया है, एलजी महोदय ने प्रयास किया, अभी मैंने बताया, हमारे चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर एमसीडी, हमारे सांसद, सब लोग इसमें लगे कि अब हमारा ये जो क्षेत्र है पूरा छतरपुर विधानसभा सारा अर्बनाइज्ड हो चुका है, तो इन रोड्स को कमर्शियल किया जाए और सीलिंग यहाँ पर ना की जाए। तो अभी जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी में जो बात रखी है अधिकारियों ने सब ने, वो यही बात रखी है कि हम इस पे आगे मास्टर प्लान में और इस पे कमर्शियल की तरफ या मिक्स लैंड यूज की तरफ और जो हमारी गोडाउन पॉलिसी है उसकी तरफ सरकार हमारी जो इस पे काम करेगी, इनको अर्बनाइज्ड करने का, अर्बनाइज्ड के बाद इनको कमर्शियल करने का काम करेगी, और जिस वजह से सीलिंग हो रही है उस वजह को ही ख़त्म किया जाएगा। लोगों को जब ये हमारा सारा कमर्शियल हो जाएगा बेनिफिट मिलेगा, लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, लोगों के रेंट बढ़ेंगे, और ये सीलिंग की जो प्रक्रिया है मॉनिटरिंग कमेटी की, इससे 100% जो है मुक्ति मिलेगी। सर, जनता बहुत इंतजार करिए, आखिरी सवाल लूँगा, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, क्षेत्र की जनता को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जनता ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, और जनता को भी मैंने हमेशा मान सम्मान प्यार और पूरा काम करके दिया है, और इसी तरह से जनता जब तक मुझे मौका देती रहेगी मैं सबके साथ मिलकर इस तरह से क्षेत्र के विकास करता रहूँ। जनता के बीच ही मौजूद रहे? हाँ बिल्कुल, हमेशा मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के काम करता हूँ, और जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं इसी तरीके से काम करता रहूँगा। कुछ लोग हैं, देखिए राजनीति में किसी के विरोधी ना हो ऐसा नहीं होता, दो चार लोग हैं आप सुनते होंगे वो पर्सनल विरोध करते रहेंगे, ऐसा हमेशा होता है, मैं उन चीज़ों से कहीं विचलित होने वाला नहीं हूँ, ना कभी विचलित हुआ ना होऊंगा। मेरा जो धर्म है काम करना है, कर्म करना है, मैंने वो हमेशा किया है, और ये जनता मुझे प्यार करती है, जनता मेरे साथ है, हमेशा काम करता रहूँ। ये थे हमारे साथ में छतरपुर से विधायक करतार सिंह जी, जनता के बीच में रहने का संदेश दे रहे हैं। निकट भविष्य में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, देखते हैं क्या समीकरण रहने हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, शुक्रिया।